पीएचडी करने के लिए प्रियंवदा प्रिया का ऑस्ट्रेलिया के मोनाश यूनिवर्सिटी में हुआ चयन। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली प्रियंवदा प्रिया ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। पीएचडी करने के लिए उसका चयन ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्थित मोनाश यूनिवर्सिटी के लिए हुआ है। वह जिले के लोखारा थाना क्षेत्र के सरसोवा गाँव की निवासी है। वह स्वर्गीय योगेंद्र प्रसाद गुप्ता व सरकारी स्कूल की शिक्षिका रीता कुमारी गुप्ता की पुत्री है। पीएचडी करने के लिए विदेश के विश्वविद्यालय में चयन होने की सूचना मिलने पर परिजनों, ग्रामीणों व शुभचिंतकों में खुशी की लहर दौड़ गई। मेलबर्न स्थित यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन के लिए पहले लिखित परीक्षा हुई, इसके बाद ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ। प्रतिभा की धनी 24 वर्षीय प्रियंवदा को प्रति माह 1.5 लाख रुपये स्कॉलरशिप भी दी जाएगी और पढ़ाई के लिए कोई फीस जमा नहीं की जाएगी। आपका जो ऑस्ट्रेलिया में पीएचडी का करने का जो मौका मिला है, इस पर कुछ बताइए क्या है। ऑस्ट्रेलिया मोनाश यूनिवर्सिटी में मेरा स्कॉलरशिप पे एडमिशन हुआ है, जिसमें कि फ़ी मेरा पूरा माफ़ है, उसमें मुझे कोई भी फ़ी नहीं देना है। उसके अतिरिक्त मुझे 100% स्कॉलरशिप मिल रहा है, जिसमें मुझे मंथली 1.5 लाख रुपये ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट देगी। आपकी शुरुआती शिक्षा कहाँ से शुरू हुई है? शुरुआती शिक्षा में मैंने क्लास 12 तक मैंने जवाहरनाथ विद्यालय पिपराकोठी से किया है अपना स्टडी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया मिरांडा हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स किया है IIT भुवनेश्वर, और इसके बाद अभी मैं PhD के लिए मेलबर्न में जा रही हूँ। अब अपने गुरु किनको मानती हैं, किनको आइडियल मानकर आप चल रही हैं अभी? किसी एक आदमी को मैं नहीं बोल सकती। जब शुरू से ही मैं मतलब अपने गुरुजनों को देख के, अपने बड़े भाई बहन को देख के कि उनकी तरफ मैं आगे बढ़ूं, इसको मतलब इसको श्रेय रखा मैंने, और उसी की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। आगे क्या इरादा है, PhD के बाद क्या होगा? मैं रिसर्च के फील्ड में ही आगे बढ़ना चाहती हूँ, साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। और एक और मेरा एक ख्वाहिश है, मतलब मेरा तो नहीं कहूँगी, मेरी माँ का सपना है कि मैं UPSC क्रैक करके IAS बनूं। तो मैं इसके लिए भी, जब PhD मेरा खत्म हो जाएगा उसके बाद, मैं इसके लिए भी एक बार प्रयास करूंगी।